बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इफ्तखार भट्ट। वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेस पार्ट वन के लेक्चर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में आपने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया। इनपुट डिवाइसेस, मैं दोहराता चलूँ, वो डिवाइसेस होती हैं कि जिनकी मदद से यूज़र अपना डेटा कंप्यूटर में इनपुट करता है। हर इनपुट डिवाइस का डेटा इनपुट करने का तरीक़ेकार और इनपुट एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। डेटा इनपुट करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि डेटा कंप्यूटर में अवेलेबल हो सके, ताकि उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया जा सके। आज का हमारा टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस के मुतल्लिक है। सबसे पहले देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी की शक्ल में। इसका मतलब है कि यूज़र जब डेटा इनपुट करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब आउटपुट डिवाइस दो तरह से आउटपुट प्रोड्यूस करती है, एक सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में या हार्ड कॉपी की फॉर्म में। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, an output device is a hardware component that produces information for the user in the form of soft copy or hard copy. ab dekhte hain ki soft copy kya hoti hai. soft copy ek aisa output hota hai jo hame screen par dikhai deta hai, computer ki monitor screen ke upar, ya wo audio ya voice form mein hota hai. yani agar aapko ek output आपके कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो सॉफ्ट कॉपी है, या आप उसको आवाज़ की शक्ल में सुन रहे हैं तो वो आउटपुट भी सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। इस किस्म के आउटपुट को आमतौर पे टच नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, जो वॉइस होगी उसको आप टच नहीं कर सकते। इसी तरह जो आउटपुट आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसको भी आप टच नहीं कर सकते। सॉफ्ट कॉपी दो तरह की आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस करती हैं, एक है मॉनिटर और दूसरे हैं स्पीकर एंड हेडसेट्स। आज के इस टॉपिक में हम इन दोनों डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर कोई डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस के अंदर भी मौजूद होता है, जैसे हार्ड डिस्क में, USB के अंदर या CDs के अंदर डेटा स्टोर किया गया है, तो उसको भी हम सॉफ्ट कॉपी का नाम दे सकते हैं। तो चलते हैं मॉनिटर की तरफ। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, जिसका दूसरा नाम होता है VDU, यानी वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये बिल्कुल टीवी की तरह की स्क्रीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपके घर में एक TV यूज़ हो रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह की एक स्क्रीन है। इसको हम मॉनिटर भी कह सकते हैं, इसको हम वीडियो भी कह सकते हैं, इसको सिंपली स्क्रीन भी कहा जा सकता है। इसी स्क्रीन के ऊपर हम स्टूडेंट कंप्यूटर में होने वाली तमाम एक्टिविटीज को देखते हैं। मतलब हमने क्या इनपुट किया है स्क्रीन पे हमें नजर आ जाता है, कौन सा प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है, और जो डेटा इनपुट करने के बाद उसका आउटपुट आया है वो भी हमें इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। यही वजह है कि इस डिवाइस को मॉनिटर का नाम दिया जाता है। ये हमें डेटा प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन की शक्ल में डिस्प्ले कर देता है। मॉनिटर याद रखिएगा, साइज के एतबार से, कलर्स के एतबार से, रेजोल्यूशन के एतबार से और वीडियो डिस्प्ले एडॉप्टर के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी तमाम मॉनिटर्स एक तरह के नहीं होते, कुछ साइज में बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, किसी में कलर्स ज़्यादा डिस्प्ले होते हैं, किसी में कलर्स कम डिस्प्ले होते हैं, किसी की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है, किसी की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी नहीं होती। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टीज होती हैं, साइज, कलर, रेजोल्यूशन और वीडियो डिस्प्ले एडॉप्टर। अब एक एक करके इनकी इसकी चारों इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइज। तो याद रखिएगा, साइज डिफरेंट साइजेस में मॉनिटर्स अवेलेबल होते हैं, छोटे साइज में भी होते हैं, जैसे 14 इंच के मॉनिटर्स,
और बड़े साइज के मॉनिटर्स भी अवेलेबल होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल, कुछ मॉनिटर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत छोटे साइज में हैं, कुछ उनके मुकाबले में ज़रा बड़े साइज के मॉनिटर्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज के मॉनिटर को अपने कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि मॉनिटर का जो साइज मेजर किया जाता है वो इसकी पूरी बॉडी नहीं होती, बल्कि ये जो इसकी पिक्चर ट्यूब है इसका ये डायगोनल पार्ट जो है वो इसको मेजर किया जाता है। अगर आप 14 इंच का मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जो पिक्चर ट्यूब है, ये जो स्क्रीन है, इसका जो डायगोनल साइज है वो 14 इंच का है। तो इस तरह डिफरेंट साइजेस के मॉनिटर्स अवेलेबल हो सकते हैं। कलर्स की जहाँ तक बात करते हैं तो बहुत सारे मॉनिटर्स बहुत सारे कलर्स को सपोर्ट करते हैं। कुछ मॉनिटर्स 256 कलर को सपोर्ट करते हैं और कुछ मिलियंस ऑफ कलर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा बेसिक 3 कलर ही होते हैं, यानी RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जितने भी बाकी शेड्स बनते हैं वो इन्हीं 3 बेसिक कलर से मिलकर बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मॉनिटर अगर हमें 16.7 मिलियन कलर्स दिखा रहा है, यानी 1.5 करोड़ के करीब कलर दिखा रहा है, तो वो इन्हीं 3 रेड, ग्रीन और ब्लू के कम्बिनेशन से मिलकर ही बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मॉनिटर में ज़्यादा कलर डिस्प्ले करने की एबिलिटी है तो वो इन्हीं 3 रेड, ग्रीन और ब्लू, ये बेसिक कलर्स होते हैं, इन्हीं से मिलकर ही बनते हैं। अब आते हैं रेजोल्यूशन की तरफ। रेजोल्यूशन जाहिर बात है जो भी स्क्रीन पर हमें ग्राफिक्स या टेक्स्ट दिखाई देता है वो डॉट्स से मिलकर बनता है, यानी डॉट्स को मिलाकर ही वो इमेज या वो कैरेक्टर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक इंच स्क्वायर पर कितने नंबर ऑफ डॉट्स मौजूद होते हैं। जितने भी ज़्यादा एक इंच स्क्वायर में डॉट्स या पिक्सल्स मौजूद होंगे उसे रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन कहा जाएगा। तो एक इंच स्क्वायर में जितने भी नंबर ऑफ डॉट्स या पिक्सल्स होते हैं इसे उस मॉनिटर की रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है। फर्ज करें ये मॉनिटर है, यहाँ पर एक इंच स्क्वायर का ये एरिया है। अब इस एक इंच स्क्वायर में जितने भी डॉट्स होंगे ये सारे मिलकर उसकी रेजोल्यूशन बनाएंगे और इन्हीं डॉट्स से मिलकर ही इमेज या वो जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। तो पिक्सल्स को पिक्चर एलिमेंट भी कहा जाता है। ये एक बहुत छोटा सा डॉट होता है। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही उस मॉनिटर की रेजोल्यूशन हाई होगी, उतना ही ज्यादा बेहतर इमेज बन सकेगा। ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये इमेज है और इस इमेज का हमने ये एक इंच स्क्वायर जूम किया है तो आप देख सकते हैं कि ये एक इंच स्क्वायर बहुत सारे डॉट्स से मिलकर बना है। इसके मुकाबले में अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो इस पिक्चर की रेजोल्यूशन ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब है कि इसकी पिक्सल्स की तादाद इसके मुकाबले में ज्यादा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसके पिक्सल्स की तादाद इस पिक्चर के मुकाबले में ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पिक्चर की रेजोल्यूशन हाई है क्योंकि इसमें बेहतर इमेज दिखाई दे रहा है। इसके बाद है वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो भी स्क्रीन पे इमेजेस या करेक्टर्स डिस्प्ले होते हैं वो इसी सर्किट बोर्ड की मदद से डिस्प्ले किए जाते हैं। इस कनेक्टर पर आप मॉनिटर की डिस्प्ले केबल को कनेक्ट कर देते हैं तो तब ही आप स्क्रीन पे इमेजेस को देख सकते हैं। और ये सर्किट बोर्ड कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ऊपर फिट कर दिया जाता है, इसलिए हर कंप्यूटर में डिस्प्ले अडॉप्टर का होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप मॉनिटर पे कोई भी इमेज या करेक्टर्स नहीं देख सकेंगे, क्योंकि डिस्प्ले अडॉप्टर ही ये डिटरमाइन करता है कि मॉनिटर रेजोल्यूशन क्या होगी, जो ग्राफिक स्क्रीन पे आ रहा है कितने नंबर ऑफ कलर्स को यूज करके आएगा और कितनी स्पीड के साथ उस इमेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी मॉनिटर की रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही उसका ग्राफिक ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। अब देखते हैं कि डिस्प्ले अडॉप्टर कितनी किस्म के होते हैं।
इनकी अभी तक 3 इकसाम हैं, इससे ज़्यादा भी इकसाम हो सकती हैं, जैसे VGA यानी वीडियोग्राफिक अरे, SVGA यानी सुपर वीडियोग्राफिक अरे, और XGA यानी एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे। आप इन तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि ये 16 से 256 कलर्स को सपोर्ट करता है और इनमें पिक्सल्स की तादाद कितनी है। इसके मुकाबले में SVGA को देखें तो इसमें कलर्स की तादाद ज़्यादा है और इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स भी इसके मुकाबले में ज़्यादा हैं। इसके बरक्स XGA जिसमें पिक्सल्स की तादाद इन दोनों मोनिटर्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है, यानी 16.7 मिलियन कलर्स तक ये सपोर्ट करता है और इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो 1024x768, यानी इसका मतलब ये है कि 1024 डॉट्स टोटल होंगे, टोटल लाइंस बनेंगी और हर लाइन के अंदर 768 पिक्सल्स या डॉट्स मौजूद होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जितना अच्छा हमारा वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर होगा उतना ही बेहतर इमेज हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है कि वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर कौन सा यूज किया जा रहा है। तो हमने इसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, नंबर 1 साइज, नंबर 2 कलर्स, नंबर 3 रेजोल्यूशन एंड नंबर 4 वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। अब देखते हैं कि मॉनिटर्स कितनी किस्म के होते हैं। मॉनिटर्स की दो इकसाम होती हैं, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉनिटर अपने कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक एक करके इन दोनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। CRT मॉनिटर्स यानी कैथोड रे ट्यूब, स्टूडेंट्स इस तरह के मॉनिटर्स आपने कुछ अर्सा पहले तक देखे होंगे जो कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन आजकल इनका इस्तेमाल कंप्यूटर्स के साथ नहीं किया जा रहा या बहुत कम हो चुका हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये मॉनिटर्स बहुत ज़्यादा जगह कंज्यूम करते हैं, टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और इनकी पिक्चर क्वालिटी भी दूसरे मॉनिटर्स की निस्बत बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी कई जगहों पे अभी तक इन मॉनिटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये देखते हैं कि ये मॉनिटर्स किस तरह से स्क्रीन पर हमें इमेजेस या कैरेक्टर्स डिस्प्ले करते हैं। इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, जब CPU बिट्स की स्ट्रीम मॉनिटर को ट्रांसफ़र करता है ताकि वो जो डेटा है हमारा वो स्क्रीन पर दिखाई दे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये CRT बनी हुई है और ये इलेक्ट्रॉन गन बनी हुई है। जब बिट्स यहाँ पर आती हैं तो उन बिट्स को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उस इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप इस स्क्रीन के एरिया को देख सकते हैं, इसका इनर एरिया, इस पे फास्फोर की कोटिंग की जाती है, एक एलिमेंट होता है फास्फोर, उसकी कोटिंग इसकी स्क्रीन की बैक पर होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इससे टकराती है तो ये पूरी स्क्रीन पर फैल जाती है और यहाँ पर चूँकि फास्फोर डॉट्स की शक्ल में होता है तो फिर ये लाइट अप हो जाता है, ये ग्लो करना शुरू कर देता है और फिर उसके ग्लो होने की वजह से हमें स्क्रीन के दूसरी तरफ इमेज या करेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो याद रहें कि ये CRT इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती हैं और ये इलेक्ट्रॉन बीम इस फास्फोर कोटेड स्क्रीन को स्ट्राइक करती है जिससे यहाँ पर मौजूद जो डॉट्स हैं वो लाइट अप हो जाते हैं, वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं और उसके ग्लो होने से ही स्क्रीन की दूसरी जानब यानी जो इसका स्क्रीन का एरिया हमारी तरफ होता है उसके ऊपर हमारा इमेज या जो करेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। अब चूंकि CRT इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती हैं तो अगर इस मॉनिटर पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली हम देखते रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बीम हमारी आईसाइट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए इन कंप्यूटर्स का, इन मॉनिटर्स का इस्तेमाल जो है वो आजकल बहुत कम कर दिया गया है। इसके मुकाबले में CRT की फर्दर दो टाइप्स होती हैं,
एक है मोनोक्रोम और दूसरे हैं कलर मॉनिटर्स। मोनोक्रोम वो मॉनिटर्स होते हैं जो सिर्फ एक कलर में, वो कलर चाहे ग्रे हो या ग्रीन हो या ब्लैक हो या वाइट हो, सिर्फ एक कलर में ही आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देता है। जैसे आप वाइट बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से लिखें तो सिर्फ वाइट बोर्ड पे आपको ब्लैक मार्कर से राइटिंग दिखाई देगी, रेड मार्कर से लिखेंगे तो रेड ही राइटिंग दिखाई देगी। इसी तरह ये जो मॉनिटर्स होते हैं ये स्क्रीन पर सिर्फ एक ही कलर में टेक्स्ट को या करेक्टर्स को डिस्प्ले करते हैं। और इन मॉनिटर्स की सबसे जो खामी है बड़ी, वो ये कि ये ग्राफिक्स यानी पिक्चर्स को या ऐसे प्रोग्राम जिनमें ग्राफिक्स यूज़ किए जा रहे हों, जैसे गेम हो गई, जैसे इंटरनेट हो गया, ये उसको डिस्प्ले नहीं कर पाते। तो फिर ये उन्हीं जगह पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर या नंबर्स के ऊपर काम किया जा रहा होता है। इनके बरक्स अगर आप देखें तो कलर मॉनिटर्स 16 to 16.7 million कलर्स यहाँ तक सपोर्ट करते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि ये ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो आजकल चूंकि हम लोग ज़्यादातर इंटरनेट को भी यूज़ करते हैं, ग्राफिकल एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, वर्ड, ये से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन होती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कलर मोनिटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। मॉनिटर की दूसरी टाइप है जी फ्लैट पैनल मॉनिटर। एक थे सीआरटी, दूसरे हैं फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल मॉनिटर ये आप देख सकते हैं, जिसको हम आमतौर पे एलसीडी पैनल्स भी कहते हैं, एलसीडी मॉनिटर्स भी कहते हैं। ये सीआरटी की बनिस्बत ज़्यादा थिन होते हैं, ज़्यादा वेट नहीं होता इनका, और इलेक्ट्रिसिटी भी ये बहुत कम कंज्यूम करते हैं। यही वजह है कि आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर्स के साथ इन्हीं फ्लैट पैनल्स को, एलसीडी पैनल्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्पेस भी कम कंज्यूम करते हैं, टेबल पर इनको ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए होती, समटाइम आप इनको वॉल माउंट भी कर लेते हैं यानी दीवार के साथ भी इसको फिक्स कर लेते हैं। तीन तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए फ्लैट पैनल मॉनिटर्स बनाए जाते हैं। उनमें पहली है एलसीडी, दूसरी है ईएल यानी इलेक्ट्रोल्यूमिनसेंट डिस्प्ले, और तीसरे होते हैं गैस प्लाज्मा। एलसीडी इन दोनों टेक्नोलॉजीज की निस्बत चूँकि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर जो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स हैं वो एलसीडी डिस्प्ले ही कहलाते हैं। इनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ये कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनमें एक सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, और वो सब्सटेंस अगर मैं एलसीडी की बात करूँ तो लिक्विड क्रिस्टल की शक्ल में मौजूद होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ग्लो करता है, लाइट अप हो जाता है, और उसके ग्लो होने की वजह से ही हमें एलसीडी पैनल के ऊपर इमेजेस या करेक्टर्स दिखाई देते हैं। ये थी मॉनिटर और इसकी दो टाइप्स। शुरू में हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट कॉपी एक ऐसे आउटपुट को कहते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है या उसको हम ऑडियो या वॉइस फॉर्म में सुन सकते हैं। मॉनिटर को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब अगली डिवाइस है स्पीकर्स एंड हेडसेट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्पीकर्स का इस्तेमाल भी कंप्यूटर के साथ किया होगा और हेडसेट्स का इस्तेमाल भी किया होगा। इन दोनों का इस्तेमाल बेसिकली साउंड की शक्ल में आउटपुट लेने के लिए, आमतौर पर कंप्यूटर में म्यूज़िक सुनने के लिए, डॉक्यूमेंट्री सुनने के लिए, या कोई भी ऐसी कोई लेक्चर है जो साउंड फॉर्म में है वो सुनना हो आपने, तो उसके लिए इन दोनों डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्पीकर्स लार्ज ऑडियंस के लिए होता है, यानी अगर बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हो तो तब स्पीकर को यूज़ करते हैं, और अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी डॉक्यूमेंट्री को सुन रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, तो फिर वो हेडसेट का इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आउटपुट डिवाइस की सिर्फ एक टाइप को डिस्कस किया और वो है सॉफ्ट कॉपी। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।